राम राम सभी भाइयों को, जय श्री ओम बना। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बहुत ही स्पेशल जगह से अपने राजस्थान रोड ट्रिप की बाइकार जो करने वाला हूँ उसकी शुरुआत करूँगा, तो मैं पहले बूंदी से निकला और जोधपुर तक पहुँचा करीबन 600-700 किलोमीटर। और मैं अपने सफ़र की शुरुआत यहाँ ओम बना के दर्शन करने के बाद शुरू करने वाला हूँ। तो सब लोगों को पता है कि कोई भी साधन से या गाड़ी से जब भी यात्रा करते हैं तो ओम बना का ज़रूर हम नाम लेते हैं, तो मैंने सोचा वहाँ चल के पूजा करके और दर्शन करके हम इस यात्रा की शुरुआत करें। तो आप सभी लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। और आपको पता ही है ओम बना का इतिहास, तो यहाँ पे सन 1965 में जो हादसा हुआ था उसके बाद में ओम बना का नाम चर्चित हुआ था। आज ओम बना की मेहरबानी से बहुत सारे साधन, बहुत सारी गाड़ियाँ सब सर चल रही हैं। तो जय श्री ओम बना, हमने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। अब हम कल जोधपुर घूमेंगे, उसके बाद में हम जैसलमेर जाएंगे। तो अभी रात के 12-1 बजे हम यहाँ पे आए हैं, जय श्री ओम बना। हम लोग अभी आए हैं ओम बना और हमारे प्रेम भाई बताएंगे ओम बना का इतिहास। सोम भाई आओ ना, क्या वहाँ खड़े इतिहास तो बताओ, कुछ नहीं जानता हूँ मैं, बट ये नॉर्मली ये जानता हूँ कि भाई ओम बना सा धाम पर यहाँ पहले एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, फिर बनासा का धाम बनने के बाद आज तक कभी यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना इस रोड पर कभी हुआ। और ये बुलेट इनकी, जब इनका एक्सीडेंट हुआ तब बुलेट एक बार गई थी थाने, तो वहाँ से अपना वैसे चल के आ गई थी, फिर पुलिस वाले वापस लेके चले गए थे, तो फिर ये वापस आ गए, तभी से गांव वालों ने मिलकर यहाँ बनासा का धाम बना दिया। एक्सीडेंट के बाद ये गाड़ी वापस यहाँ पे आ गई थी पुलिस वालों को ले जाने के बाद भी, तो दो बार लेके गए पुलिस वाले, फिर भी यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे धाम बना दिया। और आज आप सब लोग देख रहे हो कि यहाँ कितनी भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए बरसी पर समथिंग मतलब 30-40 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं पीछे पूरा। ये भारतवर्ष में ये मंदिर फेमस है और सब लोगों को पता है कि कोई भी यात्रा करते हैं साधन से या कुछ भी तो ओम बना का नाम जरूर लेते हैं। तो जय श्री ओम बना, हम भी हमारी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं ओम बना के दर्शन करके। हेलो गाइस, तो आज हम एक प्यारी सी जोधपुर की सबसे फेमस चीज़ गर्लफ्रेंड चाट खाने आए हैं। सागर भाई हमारे साथ है और आज पहला एक्सपेरिमेंट सागर भाई पे, तो ये लो मसाला मसाला सब, ये देखो सेवा है, ये मिक्सर है, ये लो धने है, बड़ा मजा आ रहा है गाइस। और इसको खाते ही कमला भी याद आएगी, अरे मस्त पानी नहीं, पानी नहीं है, पूरा खाना है बस, बाहर नहीं निकालना, बाहर मत निकालना, गाइस लास्ट तक एक्सप्रेशन देखना, मजा आने वाला है। अभी कुछ नहीं होगा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। चीटिंग 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 करता है तू। Ha 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 ha!
राइटर वाले बाहर आ गए भाई। रुको मैं आइसक्रीम ले आऊं यार। मीठा खाऊंगा सारी जुकाम हो रहा है। हम लोग अभी जोधपुर में है और जोधपुर में चोद हो गया हमारा। कौन सा चिप था समझा भाई? ये गर्लफ्रेंड चाट बोलते हैं। गर्लफ्रेंड चाट खिलाई और गर्लफ्रेंड याद आई। अब हम लोग निकल आए नहीं, मां याद आ गई। तो गाइस देख सकते हो आप, ये खाने के बाद में चांद सितारे लेकर आए। भाई क्या लेके आए? चांद सितारा है ये, खट्टा मीठा, पर ये 85 रुपया लग रहा है। चांद सितारे याद आ गए। जमसा भाई ने पता नहीं क्या खिला दिया कि चांद सितारे याद आ गए। बारूद के घोड़े। एक हमारा वो तस्कर रहा, बीड़ी ले रहा है वो। मिली बीड़ी, बीड़ी मिली। सभी को हमें अभी जोधपुर में, और जैसे मैं जोधपुर आया तो मैंने सुना कि यहाँ पर सूर्य आनंद के लोग यहाँ के मिर्ची बड़े बहुत ही फेमस है हर जगह। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ के मिर्ची बड़े वगैरह खाते हैं, तो सोचा हम लोग भी आ ही लेते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। अभी देखते हैं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। अभी पार करके बैठ चुके हैं। हाँ जी अंकल जी, कहाँ जा रहे हैं? जानकोड़ है, ये जानकोड़ है भैया जी, इनको नव चौक के जाना है। सही बात, सही बात। ब्लू सिटी देख ले। चलो, ये राजस्थान की ब्लू गलियां, और ये है राजस्थान के बंदर जो ऊपर बैठे हुए हैं। लंगूर ही बोलते हैं इनको। ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं इसको? ब्लू घर वगैरह है इस वजह से या पहले से ही थे? उनका पसंद यही है, और शुरू से ये लोग ब्लू ही कराता है, तो इसका नाम ब्लू सिटी है। खाली ब्लू घर वगैरह इस वजह से ब्लू सिटी, और शुरू से रखते हैं लोग ब्लू घर से रखते हैं। ये इस साइड में जाएंगे राइट में तो रानी सर आएगा इस साइड। ये दीवार किस चीज की? दीवार किस चीज की? ये जोधपुर के उस किले की पूरी एक दीवार यहाँ तक आई हुई है। जोधपुर के किले की दीवार है, रानी आती थी। अच्छा, अंदर अंदर ही आती थी ना इधर? ये यहाँ से किले के दीवार के उस साइड है? इस साइड दीवार से इस साइड में बनी हुई है पूरी एक छोटी सी गली टाइप, वहीं से ऊपर। तो आपको दिखाते हैं जहाँ पे रानियाँ नहाने करने के लिए, स्नान करने के लिए आती थी, वो जगह। तो आप लोग देख सकते हो यही वो जगह है जहाँ पे पुराने टाइम पे सारे राजा महाराजाओं की राजकुमारियाँ वगैरह स्नान करने आती थी। तो राम राम सभी भाइयों को। हम लोग हैं अभी जोधपुर में, राम राम भाई सारिया में। तो जोधपुर जिस नाम से फेमस है, ब्लू सिटी, वहाँ की ब्लू गलियों में हम लोग अभी घूमे और अच्छी लगी सारी चीज़ें। बहुत सारी शूटिंग वगैरह भी यहाँ पे हुई है, और जो तालाब जहाँ पे रानियाँ वगैरह नहाती थी वहाँ पे भी हम लोग घूमे, वो भी हमने देखा, बहुत अच्छा था। और पास में मेहरानगढ़ फोर्ट है। अब हम लोग जा रहे हैं जोधपुर से जैसलमेर वाले रास्ते पे, बीच में कुछ गांव आएंगे वो आपको दिखाएंगे, कुछ रास्ते हैं वो दिखाएंगे। तो चलते हैं। ये भाई चॉकलेट, अरे निकू बना की थोड़ा सा चॉकलेट।
डेचू में सुना है यहाँ पे कार रेसिंग भी होती है, बताए नहीं कौन बोल रहा था आप आओगे जा और पटक दे जा और पटक दे पटक दे। तो राजवीर भाई यात्रा पे निकल चुके हैं, मैं हमारे राजस्थान यात्रा शुरू हो चुके कार चला चला के थक गए थे तो अब ऊंट चला रहे। तो राम राम सभी भाइयों को, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी धागा मन्नत का बांधने से अपनी मनोकामना पूरी होती है, तो आए हैं तो वैसे तो भगवान ने सारी मनोकामनाएं पूरी कर रखी है लेकिन फिर भी बांध देते हैं कोई अधूरी है। मन थोड़ी भरता है मन थोड़ी भरता है, थोड़ा कुछ और मांग लेते हैं। जय माता दी, वैसे खुल जाए एक बार तो खोल लिया मैंने, ये हमारे सामने से महादेव में बांधा गया था शिरोई में, तो सोच लेता हूँ क्या मांगना है। ठीक है फिर तो आए उड़ बार निमन वीडियो के मन ओ सिंगड़े परे ढाली हसा लभरी नहीं हो मेरे तो मरनी जलरी जो। तो गाइस हम आ चुके हैं एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, ये आप देख सकते हो। सभी देशों का धर्म इंद्र है, हिस्ट्री है कोई हमारी लस्सी आ गई है, यहाँ की स्पेशल लस्सी बोलते हैं। तो यहाँ का कोई इतिहास बताओ क्या है ये, बताओ हाँ तुम्हारे निकू बना बताएंगे, बताओ निकू बना। ये हमारा ये इतिहास है कि ये जो खतरे है ना, जो इसके ये पिल्लर है ना, ये कोई गिन नहीं सकता। एक बंदे ने गिना था, वो ऑन स्पॉट खत्म हो गया था। तो यहाँ के लोगों में डर है कि ये पिल्लर कोई नहीं गिन सकता, जितने भी क्षत्रियो के पिल्लर है ना कोई गिनता ही नहीं है। इतने सारे लोग एक आदमी से गिनवाओ ना, कम पड़ जाए क्या दिक्कत। जिन्होंने ए टू जेड एकदम से सही गिना ना वो खत्म, गलत गिनने वाला तो गलत। लो समझा समझा गिनो ये वो खत्म हो जाएगा, मुझे ऑन स्पॉट आपको खत्म होते देखना है, आप बोलते हो मैं खत्म नहीं होता। उधर भाई जो भी तुम्हारा दुश्मन हो उसको यहाँ गिनवाने के लिए लेके आ जाओ। मैं यहाँ पे हमने
छतरी वगैरह बहुत सारी कुछ चीजें हैं छोटी मोटी, वो सारी देखिए। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं रामदेवरा, और आज हम अपना ब्लॉग डालेंगे यहीं पे रामदेवरा जाने के बाद में खत्म करके, तो ब्लॉग को देख लेना। तो हमारे चैनल का नाम है तो जाओ ट्रेवल रबारी, तो सब्सक्राइब करो और जाओ चैनल पे ब्लॉग देखो हमारा। और घंटा घंटा।